इधर पत्थर गिरा है, इधर पत्थर गिरा। सकाका में उतना बारिश नहीं हुआ। इधर पत्थर गिरा है, इधर पत्थर गिरा। सकाका में उतना बारिश नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, और जहाँ भी होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम फाइनली आए हैं घूमने के लिए मजरा में, और आप लोगों को दिखाएंगे इस समय क्या है यहाँ पे और यहाँ पे कैसा मौसम है, सब चीज़ दिखाएंगे आप लोगों को। वीडियो में बने रहें शुरू से लास्ट तक। तो हम फाइनली खेत में आ गए हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत तगड़ा हुआ है। मौसम यहाँ पे दो तीन दिन पहले बहुत ही ख़राब था, और यहाँ पे इतना बारिश हुआ है कि पूरा मिट्टी तक हो गया है पौधे पे। हम आप लोगों को दिखाएंगे। और इधर बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं दो दिन पहले, और आज शुक्रवार है इसके लिए मैं आया हूँ जहाँ खेती होता है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए कितना बारिश हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ककड़ी है, और इस पर इतना बारिश हुआ था कि ये पूरा इसका पत्ता ऐसा मिट्टी जैसा हो गया है। और इधर अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है, आप लोगों को दिखा देते हैं। अभी भी देखिए इधर पानी लगा हुआ है, और बहुत काफ़ी पानी है। और इधर मिट्टी देखिए कैसा हो गई है, दरार टाइप में पड़ गया है। और चलिए इधर देखते हैं क्या है। इधर देखिए, इधर टमाटर है, टमाटर तभी टमाटर में फल आ चुका है। तो इतना इधर बारिश हुआ है कि पौधे तक नष्ट हो गए हैं। तो हम कुछ तोड़ लेंगे टमाटर अपने लिए और ककड़ी। तो चलिए हम ककड़ी तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी इधर टमाटर उतना पका हुआ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे कच्चा कच्चा है, पूरा इधर अभी कच्चा है। अभी जैसा चाहिए वैसा पका हुआ नहीं है, आप लोग देखिए पूरा ऐसा कच्चा कच्चा है। इसी में से देख के दो चार पीस ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पका हुआ मिलेगा तो लेके जाएंगे। और ककड़ी देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये जो ककड़ी है देखिए, ये जो है बारिश हुआ है तो ये कैसा हो गया है, देखिए पूरा वाइट वाइट हो गया है। तो इसमें से हम तोड़ लेंगे ककड़ी। तो फ्रेंड ये भी देखिए, इसको भी तोड़ लेंगे। ये देखिए, ये जो है कूसा गांव में कोड़े की तरह होता है, ये जो गांव में कद्दू बोला जाता है वैसे ही होता है, इसको यहाँ पे कूसा बोला जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ले लेंगे, तो ये सब्जी बनाने के लिए अच्छा हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं, तो फ्रेंड इतना काफ़ी धूप लग गया सब्जी तोड़ने में कि बहुत परेशानी हो गई, और बहुत काफ़ी पसीना पसीना हो गया। इधर बहुत काफ़ी धूप है और हालत ख़राब हो गई। चलिए आगे भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्या है। और इधर सब देखिए, ये अंगूर है, और ये अंगूर फल आ चुका है, देखता हूँ पका हुआ है कि नहीं, आप लोग बने रहें, चेक करते हैं इसके अंदर किसी में होंगे बड़े बड़े।
तो चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी पका हुआ नहीं है, अभी देखिए अभी बहुत छोटा छोटा है, हम दूसरे में चेक कर लेते हैं। अभी ये बहुत छोटा छोटा है, बहुत खट्टा लगेगा, तो हम दूसरे जगह चेक कर लेते हैं। दूसरे में और यहाँ बहुत काफ़ी धूप है, ये लोग भी कैसे काम करते होंगे, इन लोग की आदत हो गई है, हमारी इतने में ही हालत ख़राब हो गई, इतना ही धूप में इन लोगों का काम करते करते आदत हो चुका है। तो चलिए इसमें भी चेक कर लेते हैं। फ्रेंड इसमें भी कच्चा कच्चा है, यानी अभी पका नहीं है, एक खा के देखते हैं। मीठा बहुत खट्टा लग रहा है, ये अभी खाने लायक नहीं है। और इधर ये सब खजूर के पौधे हैं, इधर तीन भी नहीं पका हुआ है, आप लोग देख सकते हैं तीन कितना फड़ा हुआ है, कितना इसमें फल आया हुआ है तीन में, बहुत काफ़ी, इसको गांव में गुल्लर बोलते हैं, बहुत काफ़ी फरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना फरा हुआ है, सब में फल बहुत काफ़ी आया हुआ है। इधर देख लेते हैं, तो काफ़ी इसमें तीन के पौधे हैं, तीन के बहुत काफ़ी फायदे हैं, पौधे हैं जिसको गांव में गुलर ही बोलते हैं, और ये यहाँ पे बहुत काफ़ी महंगा बिकता है, और ये खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और अभी इसको पकने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड हम जो है सामान सब्जी तोड़ चुके हैं, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्या तोड़ा हूँ, तो चलते हैं उधर गाड़ी के पास, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मजरे में मेरे को क्या क्या मिला है और क्या मैं लिया हूँ। है मेरी गाड़ी, तो चलते हैं गाड़ी में, यही सामान खोलूँगा क्योंकि बहुत काफ़ी धूप लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये सूरज, बहुत काफ़ी धूप है इधर, तो मेरे को धूप में बहुत काफ़ी परेशानी होता है, क्योंकि हम धूप में नहीं रहते हैं, इसके लिए बहुत दिक्कत होता है। और यह है मेरी गाड़ी, गाड़ी के पास आ गया हूँ और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा क्या लिया हूँ। तो मैं जो लिया हूँ देखिए आप लोग देख सकते हैं, इधर है ककड़ी, ये बारिश से थोड़ा इसमें मिट्टी लगा हुआ है, इसको अच्छे से धोना पड़ेगा। और ये है ककड़ी और ये है कुसुम, मैं इसको नहीं छूऊंगा, बहुत मैं तोड़ा था तो बहुत काफ़ी हाथ में खुजली हो रहा था, और इधर पानी इस समय चालू नहीं है तो इस समय बहुत दिक्कत हो रहा था हाथ धोने में। और ये है प्याज और भी कुछ है, इस इधर टमाटर है, देखिए मैं इसके अंदर हाथ नहीं डालूंगा नहीं तो फिर से खुजली होने लगेगा फ्रेंड, तो इधर बहुत दिक्कत है मजरा में। फिर फ्रेंड इतना काफ़ी धूप लग गया, इतना काफ़ी कि आप लोग देख सकते हैं हालत हो गया ख़राब, और इतना धूप लगेगा तो हम लोगों को बहुत परेशानी होगी। और भी एक चीज़ लिया हूँ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जो गांव में मिलता है देसी चीज़ मिलता है, ये है देसी अंडा, जो देसी मुर्गी का ये अंडा है, यहाँ जब आता हूँ तब अंडा देसी लेके ही जाता हूँ ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि देसी मुर्गी का ऑमलेट खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ओके फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे को रूम पे भी जाना है, और यहाँ से रूम मेरा 40 किलोमीटर दूर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत।